उसको खड़ा करा है और मेरा विश्वास है कि आने वाले 20 तारीख को जो कल लगेगा राजू से 150 से 200 मत के अंतर से उसमें काम करने की तड़प है। गांव के विकास में इसके पहले भी उसका योगदान है। लोगों के मन में है कि जो गांव में वोट दे सकता है उसको बनाना है और ये सब विश्वास लोगों ने आज के मतदान में बढ़ चढ़ के सबको दिखाया है। अभी तक मेरे पास जो जानकारी है 65% तक वोटिंग हुआ है, मगर आशा है कि ये वोटिंग 85-90% तक जाएगी। गांव में पिछले 2-3 साल से कुछ अलग वातावरण कराया है। हालत खराब है, वो रस्ते और अंडरग्राउंड ड्रेनेज यह हमारी प्रायोरिटी है। उसके साथ में पीने का पानी उपलब्ध है, मगर उसका जो वितरण है उस पर ध्यान देने की वजह से पानी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी पानी, रास्ते और नाली ये है, उसके बाद में बाकी चीजों के लिए मैं चंद्रशेखर पूरी सरपंच पद के लिए जो आप सरपंच पद के लिए विजय होते हैं तो सबसे पहले उसका निवारण करें। देखो हमारे गांव में जो है विकास होने वाला था, हमारे गांव में जो है तो चार बौड़िया है, योजना आए हैं लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं हो रहा, तो उसको सही तरीके से काम करने का पूरा मैं प्रयत्न करूँ। तो उनका उद्धार कैसे करेंगे सर आप? क्या है, बहुत जरूरी है रोजगार मिलना, और शासन ने जो इतनी बड़ी योजना निकाली है एमआरजीएस, तो उस वजह से हमारे गाँव में आज तक रुपया नहीं आया। कोई शासन दे रहा है लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं था, चलाएंगे और हर आदमी के हाथ को काम देंगे। सर जो पीएम आवास घरकुल की स्कीम है तो मिली नहीं सरपंच के लिए चुनके आते हैं 100% के साथ, क्योंकि काम तो है को मैं रात दिन रहने वाला आदमी हूँ और इसके पहले भी हम मतलब ग्राम पंचायत मेंबर हूँ 15 साल से, इस वजह से मुझे सब मालूम है इस चीज़ की। और मैं 100% के जितना सबको देते आएगा तो अपने गाँव में जितना लाने की कोशिश करूँ। 9 है और मैं 10 हूँ।